तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इस गर्मी में बच्चों को कैसे वेल हाइड्रेटेड रखें, बट हाइड्रेट रखने के नाम पे कुछ पेरेंट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों की डाइट में ऐड कर देते हैं जो कि उनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा देती हैं। सो हाइड्रेशन के नाम पे हम बच्चों को क्या दे रहे हैं वो एक्चुअल में काफ़ी मायने रखता है, और काफ़ी सारे पेरेंट्स ये 5 गलतियाँ कर रहे हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स ये 5 गलतियाँ रिपीटेटिवली कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को हाइड्रेट रखना चाहते हैं। बट हाइड्रेट रखने के नाम पे हमें क्या देना है, वो किस तरह का होना चाहिए, कितना देना है, क्वांटिटी एंड कब देना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि यूजुअली हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को हाइड्रेट रखने के चक्कर में करते जाते हैं विदाउट एनी रियलाइजेशन कि वो अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, और जो भी वो चीज़ें दे रहे हैं वो एक्चुअल में उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। फर्स्ट मिस्टेक, टू मच ग्लूकोन डी। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को सिंपल वाटर पसंद नहीं होता, प्लेन सादा पानी वो लोग नहीं पीते, सो क्या करते हैं, ग्लूकोन डी उनको पिलाते रहते हैं। अगर आप दिन में 1 ग्लास ग्लूकोन डी पी रहे हैं, 2 ग्लास पी रहे हैं, फिर भी ठीक है, बट अगर आप 3 ग्लास, 4 ग्लास या फिर पूरे दिन आप सिर्फ ग्लूकोन डी पी रहे हैं पानी के नाम पर, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों ग्लूकोन डी में काफ़ी सारा शुगर होता है। सो जो लोग अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए ग्लूकोन डी यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ काफ़ी केयरफुली यूज़ करें। आप थोड़ा बहुत ग्लूकोन डी कभी कभार दे सकते हैं, आधा चम्मच, एक चम्मच, बट डजंट मीन कि बच्चा पूरे दिन ग्लूकोन डी एक बॉटल में घोल के रख लेगा और पूरे दिन उसको पीता रहेगा। बच्चे को सादा पानी भी पिलाना है, क्योंकि सादा पानी में भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ग्लूकोन डी का फ्लेवर काफ़ी पसंद है, सो हम क्या करेंगे, एक ग्लास में ग्लूकोन डी घोलेंगे और उसकी आइस क्यूब्स हम लोग जमा लेंगे। सो जब भी बच्चा पानी पी रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है ग्लूकोन डी पीने की, तो हम उसमें 2 आइस क्यूब्स ग्लूकोन डी वाले पानी की हम डाल देंगे। सो इससे उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा पानी का, और बच्चा भी खुश हो जाएगा कि उसने एज सच ग्लूकोन डी ही पिया है, उसको नहीं पता उसमें सिर्फ 2 आइस क्यूब्स है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक्सेस ऑफ ग्लूकोन डी से हम बचा सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक, फ्लेवर पाउडर या फिर मार्केट में जितने भी शरबत, जितने भी जूसेस अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने फ्रिज में ला के स्टोर कर देते हैं। अब उनको क्या लगता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना है। सो पानी पी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पानी नहीं पी रहे हैं तो हम जूसेस दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा किसी भी तरीके से पानी तो पी रहा है। कुछ नहीं पी रहा तो उसमें थोड़ा सा शरबत ऐड कर दिया, वो पिला दिया बच्चे को। कुछ नहीं पी रहा तो जो फ्लेवर पाउडर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से 2 स्पून डाले, वो हमने बच्चे को पिला दिया। अब बच्चे को क्या होता है, बच्चा हैबिचुअल हो जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत यमी होती हैं। सो बच्चों की ये टेंडेंसी है कि कलरफुल जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी यमी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट अच्छा होता है, जिनका फ्लेवर अच्छा होता है, उनकी तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो इन केसेस में हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को मार्केट के जो शरबत हैं, मार्केट के जो जूसेस हैं, मार्केट में अवेलेबल जो भी फ्लेवर्ड पाउडर हैं, वो न देके हमें क्या करना है, हम पानी लेंगे। पानी में कुछ फ्रूट्स हम कट करके रख सकते हैं, आप वाटरमेलन कट करके रख सकते हैं, आप मस्कमेलन कट करके रख सकते हैं, आप ग्रेप्स कट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज कट करके रख सकते हैं। सो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर फ्रूट का उस पानी में उसका फ्लेवर आ जाएगा, और जब भी बच्चा पीना चाहता है उस पानी को आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चा सारे दिन कोई ना कोई फ्लेवर्ड पानी ही पिए। कभी वो नॉर्मल पानी पिएगा, कभी वो छाछ पिएगा, कभी वो दूसरे जूसेस पिएगा, और कभी इस तरह का फ्लेवर्ड पानी जो कि हमने अपने घर में प्रिपेयर किया है विथ हेल्प ऑफ फ्रेश फूड्स। तीसरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि उन पेरेंट्स के साथ होती है जो कि बाहर निकले हुए हैं। अब घर में अवेलेबल है तो कुछ भी पिला सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर बाहर निकले हुए हैं और बच्चे को प्यास लग रही है तो वो लोग क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स उठा के बच्चे को दे देंगे, सोडा है बच्चे को उठा के दे देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी तो अंदर जा रहा है, एटलीस्ट प्यासा तो नहीं है, बट ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और सोडा उसमें इतने सारे केमिकल्स और इतनी सारी एडेड शुगर यूज़ होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ग्लास जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कम से कम 10 चम्मच चीनी के होते हैं। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखी जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों की आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर है
या फिर बहुत ज़्यादा फैट है। हमें बच्चों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम खुद का रखते हैं। सो हमें ना तो सोडा देना है ना ही कोल्ड ड्रिंक्स देनी है। आप क्या कर सकते हैं, घर से एक बॉटल कैरी करके चल सकते हैं। इन केस अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, उस केस में आप उसको छाछ परचेज करके दे सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, उसको कोकोनट वाटर दिला सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर का जो टेस्ट होता है हर बच्चे को आई थिंक पसंद होता है। अब बात कर लेते हैं अपनी चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक की। हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि लेमन वाटर हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेमन स्पेशली गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा पिया जाता है। नो डाउट लेमन के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पानी भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, बट लेमन वाटर को जो प्रिपेयर करने का तरीका है दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और जिस तरीके से आप लोग उसे प्रिपेयर करके अपने बच्चों को डेली 2-3 ग्लास लेमन वाटर सर्व कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। सो हमें करना क्या है, जो भी पेरेंट्स उस लेमन वाटर में 2-3 चम्मच शुगर के ऐड कर रहे हैं, वो आप मान के चलिए कि दिन में अगर 3 ग्लास लेमन वाटर बच्चा पी रहा है, दैट मीन्स 3+3+3 9 स्पून ऑफ शुगर आप डायरेक्टली बच्चे को डेली बेसिस पे दे रहे हैं। सो आपको सोचना होगा कि ये जो एडिड शुगर है इसको हमें कट कैसे करना है। आप कई बार लेमन वाटर मीठा बना सकते हैं, आप कई बार लेमन वाटर सॉल्टी भी बना सकते हैं। किसने कह दिया कि लेमन वाटर में आप सॉल्ट डाल के उसको नहीं पी सकते? किसने कह दिया कि लेमन वाटर हमेशा चीनी का ही बनेगा? चीनी के बजाय आप और भी कुछ इसके रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, आप खांड यूज़ कर सकते हैं, आप मिश्री यूज़ कर सकते हैं, आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ रिप्लेसमेंट हैं। शुगर को तो कम्प्लीटली अपनी डाइट से, अपनी किचन से परमानेंटली हटा दीजिए। उसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप मिंट वाटर अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। मिंट की कुछ लीव्स आप क्रश करके पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद उसका फ्लेवर उस पानी में आ जाएगा। उसमें हल्का सा काला नमक और जीरा ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे उसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि हम बचपन में काफ़ी पीते थे, कच्चे आम का पना हम बच्चों को दे सकते हैं। कच्चे आम आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको बना के बच्चों को बहुत ईजिली सर्व कर सकते हैं। आप उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना रखें, काफ़ी लिक्विड रखें, क्योंकि उस बहाने से जितना पानी हमारी बॉडी में जा सकता है जाने दीजिए। नाउ दी फिफ्थ कॉमन मिस्टेक, सबसे ज़्यादा हम यही कर रहे हैं, हम में से ज़्यादातर लोग हाइड्रेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी पे फोकस कर रहे हैं। सिर्फ पानी पे फोकस करना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ पानी से क्या मिलने वाला है बच्चों को? हम जो प्लेन वाटर पी रहे हैं उससे सिर्फ वाटर मिलेगा, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कुछ मिनरल्स मिलेंगे, बट इसकी जगह अगर हम मॉर्निंग में फ्रूट जूसेस दे रहे हैं, दोपहर में अगर हम छाछ दे रहे हैं, शाम को अगर हम कोई मिंट वाटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम आम पना यूज़ कर रहे हैं, रात को हम मिल्क ले रहे हैं या फिर शेक ले रहे हैं। सो इस तरह से आप वैरायटी रखिए, आप सिंपल प्लेन वाटर बच्चे को ज़्यादा ना दें, वो भी देना ज़रूरी है, बट डजंट मीन कि पूरे दिन बच्चा सिर्फ पानी पीता रहेगा। क्योंकि जहाँ हम जूसी फ्रूट्स उसको दे सकते हैं, जहाँ हम कुछ ऐसी वेजिटेबल उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिनका वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, वो भी उसकी डाइट में काफ़ी अमाउंट में वाटर ऐड करने वाली हैं। सो आज के बाद ऐसे फ्रूट्स जिनमें जूस ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा वाटर कंटेंट रखते हैं, ऐसे फ्रूट्स को बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करें, और ऐसी सब्जियां भी अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें जिनका वाटर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में आप वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्कमेलन ले सकते हैं, आप चेरी ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। सब्जियों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजीली अवेलेबल है आजकल, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पे ऐड करिए। ज़रूरी नहीं है कि पानी की रिक्वायरमेंट सिर्फ सादा पानी से ही पूरी होती है या फिर फ्लेवर्ड वाटर से ही पूरी होती है, हम पानी की रिक्वायरमेंट अपने खाने से भी पूरी करते हैं। जितने भी फूड आइटम्स हम हमारी डाइट में ऐड कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका वाटर कंटेंट भी ज़्यादा हो। सो हम 3 तरीके से पानी पीने वाले हैं, एक तो प्लेन वाटर जो कि हम यूजुअली पीते हैं, उसके साथ साथ कुछ लिक्विड्स हमें ऐड करने हैं, जैसे कि छाछ हो गया, आम का पना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, कुछ जूसेस हो गए, कुछ शेक्स हो गए। उसके अलावा जो फूड आइटम हम ले रहे हैं उसका भी वाटर कंटेंट अगर हम हाई लेते हैं, सो कुछ फ्रूट्स के जरिए पानी जाने वाला है, कुछ वेजिटेबल के जरिए। सो इस तरीके से हमारी बॉडी में तीनों सोर्सेज से काफ़ी सारा पानी जाने वाला है। सो जो भी पेरेंट्स ये गलतियाँ कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें करेक्ट कर लें, और जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, वेल एंड गुड। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।